डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि नदौन उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत लहड़ा के हटली गांव को कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आने के बाद तीन पंचायतों के पांच गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत लहड़ा के हटली गाँव वार्ड 6 व 7, नुखैल वार्ड नंबर 2 और 4, लड़ा गाँव वार्ड नंबर 4 और 5, ग्राम पंचायत गोइस के कोरल गांव वार्ड नंबर 1 तथा ग्राम पंचायत ग्लोड खास के बुडवी गांव वार्ड नंबर 1 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इन क्षेत्रों से बाहर से कोई व्यक्ति या वाहन ना तो भीतर ले जा सकेगा ना ही भीतर से बाहर जा सकेगा। केवल आवश्यक सेवाओं में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों तथा वाहनों को ही आवाजाही में छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और सभी दुकानें व बैंक इस जोन में बंद रहेंगे। मेडिकल कॉलेज से सैंपल भेजा था, एक आइसोलेटेड पर्सन था हटली ग्राम पंचायत हैड़ा लोड से नदौन सब डिवीजन से, उसके सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पर्सन ऑलरेडी आइसोलेशन में मेडिकल कॉलेज में था हॉस्पिटल में, उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया रात में ही बोटा सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर में। ये पर्सन दिल्ली से आया था 6 तारीख को, 6 मई को, उसके बाद इसको बुखार के सिम्टम्स की वजह से मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करना पड़ा था। हमने सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स, जो 8 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स यहाँ हमारे हमीरपुर में है, 2 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स ऊना में है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊना है, एसपी को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। एक टैक्सी ड्राइवर दिल्ली से था, न्यू दिल्ली से, वहाँ हमने कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है। यहाँ जो 8 हमारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें वाइफ हैं, 2 बेटे हैं, जो आशा वर्कर्स उनके जो उसके गए हैं पटवारी हैं वो, हाँ, उनके हम आज सैंपल ले रहे हैं। तो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हमने 50 आइडेंटिफाई किए हैं। उसके अलावा हटली एपिक सेंटर इस केस का है, हटली नुखेल लहड़ा 3 विलेजेस को, जो कि लहड़ा ग्राम पंचायत में है, इनको हमने कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर किया है, जिसमें हटली ग्राम पंचायत में 5 वार्ड, 2 वार्ड हटली के वार्ड नंबर 6 और 7, 2 वार्ड नुखेल विलेज कवर करता है वार्ड नंबर 2 और 4, और जॉइंटली 4 और 5 लहड़ा ये विलेज कवर करता है। उसी तरीके से पास का जो पुथवी विलेज है, जो ग्लोड खास पंचायत में पड़ता है वार्ड नंबर 1, खोरड़ जो कि ग्राम पंचायत गोइस में पड़ता है वार्ड नंबर 1, ये हमारे कंटेनमेंट एरिया होंगे। इन कंटेनमेंट एरिया में अप्रोक्सीमेटली 3000 की पॉपुलेशन है। इसमें हमारे टोटल 7 वार्ड्स हैं, इनको हम कवर कर रहे हैं 5 विलेजेज में कंटेनमेंट एरिया में। और कंटेनमेंट एरिया में जो भी एसेंशियल सप्लाईज होगी, राशन की, मिल्क की, मेडिसिन की, और जो भी फोन कॉल पे जिस तरह से होगी, नोडल ऑफिसर ने क्लियर किए हैं डिपार्टमेंट वाइज, उनकी डिलीवरी होम डोर स्टेप पर ही की जाएगी। और हम लोग नेक्स्ट 3 डेज में जो टोटल पॉपुलेशन है उसको स्क्रीन करके और केस फाइंडिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके अलावा जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके हम सैंपल ले रहे हैं। और मेरी सभी से अपील है कि ड्यूरिंग कंटेनमेंट जिन एरियाओं में, क्योंकि हमने पुलिस ऐसे सारे रास्तों को हमने कंटेन कर दिए हैं, ड्यूटी बेयरिंग है, बट इसमें कोऑपरेट करें, और जब तक हम उस पर फर्दर ऑर्डर्स तक सभी कंटेनमेंट ऑर्डर का पालन करें।